हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉन्डा बर्न की बुक द पावर बुक की समरी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और हर उस चीज को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। इस किताब में आज हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में जानेंगे। इस शक्ति से आप जीवन में वो सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। ऑथर का कहना है कि हमारे पास उन सभी चीजों को पाने का अधिकार होता है जो हमें एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए चाहिए। हम इस पावर से अपनी सभी इच्छाओं, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, उस समय आप अपने आप में उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों से मिल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है तो इस पावर की मदद से आप कोई भी बिजनेस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। आज आप इस वीडियो में ब्रह्मांड की उसी पावर के बारे में जानेंगे। जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं या जिसे आप अपने दिल से पसंद करते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने की ताकत आपके पास है। आपकी लाइफ उससे कहीं ज्यादा आसान और खूबसूरत है जितना आप सोचते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ दो चीजों से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध या सुख, ये सब चीजें या तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती है या आवश्यकता से कम। यदि कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं, और यदि कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते हैं। वो शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्यार कभी कमजोर नहीं हो सकता। सभी सकारात्मक और अच्छी चीजों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय अदृश्य शक्तियाँ काम करती है, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है जिसे देखा नहीं जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा नहीं हो सकते थे। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते। अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब ना होती। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम ना होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी। टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीजों का क्या हम उसका उपयोग कर सकते थे। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं वह केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न कहती है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वह सब कुछ क्यों नहीं है जिसकी आप इच्छा करते हैं? इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या न करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोजाना करते हैं उसमें हमारे पास विकल्प होता है कि हम उस चीज को सकारात्मक तरीके से लिए या नकारात्मक तरीके से। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्यार का नियम काम करता है। हम हवाई जहाज में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया हवाई जहाज प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज ले सकते हैं और उतार सकते हैं। इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कह सकते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल है जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाशगंगा, तारे और सूर्य है। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी शक्ति से धारण करता है।
आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपनी निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते रहते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह ही ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अभी हम समझ गए कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। हमारा विचार तय करता है कि हमारी कार्यवाही सकारात्मक होगी या नकारात्मक। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं। जैसे, वाह क्या सुंदर दिन है। सोचने के बाद जब हम इसे कहते हैं, वास्तव में कहने के बाद सुंदर शब्द के भाव से हमारा शरीर स्पंदित होने लगता है। इसलिए हमें जितना भी हो सके सकारात्मक चीजों की बात करनी चाहिए। हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें या बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास उस चीज के बारे में बात करने की असीमित क्षमता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। द पावर ऑफ फीलिंग्स। जब से इंसान इस दुनिया पर जन्मा है, तब से वो कुछ न कुछ महसूस कर रहे हैं। हम सोते समय अपने चेतन विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। दुनिया का हर इंसान अपनी 5 इंद्रियों की वजह से चीजों को महसूस करता। जीवन की हर चीज और हमारी अनुभूति हमारे भावी जीवन का निर्माण करती है। हमारे विचारों और शब्दों में तब तक पावर नहीं होती जब तक उनमें भाव नहीं जुड़ते। हमारे मन में दिन भर अनेक विचार आते रहते हैं, फिर भी हम उन विचारों पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि उन विचारों या शब्दों में प्रबल भाव नहीं होते। शब्दों में अन्य चीजों की तरह या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं होती हैं। अब हम कुछ विशेष चीजों के बारे में जानेंगे। सभी सकारात्मक भावनाएं प्यार से आती हैं, और जहां प्यार नहीं है वहां नकारात्मक भावनाएं ही मन में आती है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे सभी विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हम स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में उसी तरह रिफ्लेक्टेड होती है। हम अपने व्यवहार से जीवन को बदल सकते हैं। जीवन हमारी सभी भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हमारे जीवन में भावनाओं के दो चक्र हैं, पहला अच्छा भावना चक्र और दूसरा बुरा भावना चक्र। पहले चक्र में हम एनर्जेटिक, जॉयफुल और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उसके बाद वो चीज प्राप्त करते हैं जो हम अपनी जीवन में पाना चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज को पाने के बाद हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, और फिर से हम उन चीजों को जीवन में लाने लगते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उन जॉयफुल आवृत्तियों से मेल खाती हैं। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। दूसरा चक्र बुरा भावना चक्र है। इस चक्र में हमें बुरा महसूस होता है। इससे हमारे जीवन में बुरी चीजें आने लगती हैं। इतनी बुरी चीजें जिनके बारे में हमने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। फ्रीक्वेंसी महसूस करना। हम प्यार की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, ग्लानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं, उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप 30 दिनों में 2,00,000 रुपए आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको 2,00,000 रुपए की फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। यदि आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो आपको 2,00,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब आपके मन में दो प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम 2,00,000 रुपए की फ्रीक्वेंसी में हैं या नहीं, और दूसरा सवाल कि हम हमेशा इस फ्रीक्वेंसी में कैसे रह सकते हैं। आपके मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको 2,00,000 रुपए की फ्रीक्वेंसी पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह महसूस करना है कि वो 2,00,000 रुपए अभी आपके पास हैं, और आप उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप आ जाएंगे हैं। दूसरे सवाल का उत्तर है, आप जो चाहते हैं रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपको उसकी कल्पना करनी है और महसूस करना है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को 24 घंटे 7 दिन आकर्षित करेगा। जब आप 2,00,000 की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो वो 2,00,000 आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आप उस पैसे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और सामान्य लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वे कहते हैं कि यह सब मूर्खता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की पावर क्या है, जिसके कारण वे लोग अपनी स्थिति में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें बचपन से कोई नहीं सिखाता कि अपनी फीलिंग्स का ख्याल कैसे रखा जाए, इसलिए हमारी सारी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है, और अगर कुछ बुरा होता है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। उनके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, वे दोनों ही स्थितियों में नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो चीजें नहीं हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे या प्यार करने वाले इंसान नहीं हैं। सबके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है नेगेटिविटी को छोड़कर प्यार को चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है तो मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ। यह आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। आप जो भी नकारात्मक बातें कहते हैं वे सभी आपके जीवन को दोष, आलोचना, शिकायत, घिनौना बनाने में योगदान करती हैं। ये सभी नेगेटिविटी के रूप हैं। अगर आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचेंगे तो आपको एक अहम बात समझ में आएगी कि ऊर्जा के ये सभी छोटे छोटे रूप आपके जीवन को बना रहे हैं। क्या आप वास्तव में महसूस करते हैं कि इन सभी छोटी छोटी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? इस पुस्तक का उपयोग करके आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? इस पुस्तक की ऑथर कहती है कि जब हमारे थॉट सकारात्मक विचारों से 50% अधिक होते हैं तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जब हम 51% विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। यदि हमारे सकारात्मक विचार और हमारी भावनाएं प्रबल होंगी तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें अधिक होंगी। द पावर एंड क्रिएशन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस शक्ति से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। स्वास्थ्य, पैसा, करियर, व्यवसाय और रिश्ते, इन सब में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब हम निर्माण के कुछ स्टेप्स को समझेंगे। सीक्रेट मूवी की वजह से लोग थ्री स्टेप्स फॉर्मूले को जानते हैं, लेकिन फिर भी वे इनका उपयोग करना नहीं जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो तीन स्टेप्स कौन से हैं जिनकी मदद से आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। स्टेप एक, कल्पना करना। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, शांति से बैठकर अपना सारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित कीजिए और उसकी कल्पना कीजिए। स्टेप दो, महसूस करना। आप जिस चीज को प्यार करते हैं या फिर जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप उस चीज के बारे में ऐसा महसूस कीजिए जैसा आप उस चीज को सच में हासिल करने के बाद करेंगे। स्टेप तीन, हासिल करना। जो आप पाना चाहते हैं, जब उस चीज की कल्पना करते और उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम की वजह से आपको वो चीज मिल जाती है। यही वो नियम जिसे प्रेम का नियम भी कहा जाता है। फीलिंग इज क्रिएशन। जब हम किसी चीज के बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं तो हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हर किसी इंसान का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम कई बार ऑरा कहते हैं। जब हम एक फेमस पर्सनालिटी को रियलिटी में देखते हैं तो हम उन पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं जो प्रसिद्ध लोगों से आती हैं। जब हम अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि इस काम को करने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज घटित होने लगती है। हमेशा याद रखें कि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि आपने उन भावनाओं को उत्पन्न किया है जो आपकी इच्छाएं हैं, तो हो सकता है कि कल आपको वह चीज मिल जाए। यह भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आप नेगेटिव चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा।
डिफॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं, तो सभी चीजों में प्यार डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्यार से भरने लगेंगे, तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह कंपन करने लगेंगे, और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा, तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को महसूस कैसे कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है, तो हम बुरा महसूस करते हैं, और यदि कुछ अच्छा घटित होता है, तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो कंपन से हाई कंपन की ओर आता है। अब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज्यादा समय तक नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक सकारात्मक महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हो, तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगती हैं। जीवन आपका अनुसरण करता है। लाइफ में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। क्वांटम भौतिकी की शाखा से साबित होता है कि हम अपने जीवन में जो चीजें चाहते हैं, उन्हें कल्पना में सकारात्मक बनाएं, और आप देखेंगे कि वह चीज आपके पास है। आप ईर्ष्या और नकारात्मकता छोड़कर सिर्फ प्यार की भावनाओं पर ध्यान दो। हमारे पास एक नहीं बल्कि अनेक चीजें होती हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग है। हमारे जीवन का सरल अर्थ यह है कि आकर्षण का नियम केवल हम पर काम करता है। अन्य लोग आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आपको केवल वही चीज प्रभावित करती है जो दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। आकर्षण का नियम केवल हमारी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम वही समझता है जो हम महसूस करते हैं। बातचीत लफ्जों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। एक अपशब्द से दोस्तों के बीच हंसी की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि उस अपशब्द के भाव सकारात्मक होते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई उन शब्दों को गंभीरता से कहे, तब दूसरा व्यक्ति नकारात्मक और बुरा महसूस करेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा अपने नकारात्मक शब्दों को बदले, जैसे नहीं, मैं नहीं कर सकता, और सकारात्मक शब्द को अपनाए, जैसे हाँ, मैं कर सकता हूँ, वाह क्या शानदार दिन है। अगर ट्रैफिक बहुत लंबा है, तो हम अपने मन में सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यह ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी दुर्घटना से बचा ले। इससे आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। हम अपनी जिंदगी की कहानी खुद बनाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो आप नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप उस दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम सक्षम है या वह बेहतर है, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग सच्चे नहीं हैं। यदि आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो प्यार का बल आपको वह शक्ति देता है जिसके जरिए आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। कीज टू पावर। यदि आप प्रेम की परम शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको इस संसार की सभी वस्तुओं को प्रेम देना होगा। लोगों के दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आपको प्यार करने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आप अपनी पसंदीदा चीजों से प्यार नहीं करेंगे, तो वो आपसे दूर चली जाएंगी। जब तक आप चीजों के लिए धन्यवाद नहीं दोगे, तब तक आप प्यार की अनंत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम प्रकृति की चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं, तो हम अपने भीतर सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं, और हम इस कृतज्ञता पुल के साथ प्यार तक पहुंचते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है। जीवन को बेहतर बनाना अपनी कल्पना के साथ खेलने के समान है। जैसे मोबाइल गेम में एक स्तर के बाद कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है, उसी तरह हम अपने जीवन में खेल सकते हैं। जब हम एक मजेदार खेल की तरह जीवन का आनंद लेते हैं, तो हमें लगता है कि जीवन अच्छा है।
अब हम इस गेम को खेलना सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चे अपनी कल्पना से खेल खेलते हैं, वैसे ही हम अपनी कल्पना से अपने जीवन को और भी प्यारा बना सकते हैं। आपको 21 दिन तक यह तरीका आजमाने की जरूरत है, उसके बाद आपकी जिंदगी चमत्कार की तरह बदल जाएगी। द पावर एंड मनी। आप मनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो उन्हें पैसे के बारे में बुरा लगने लगता है। जब आप मन में तय कर लेते हैं कि मैं अमीर हूँ, तो पैसा आपके लिए रास्ता बना देता है। यहाँ तक कि इस पुस्तक की लेखिका भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन काफी रिसर्च के बाद वह समझ गई कि अमीर लोग पैसे से जुड़े नहीं होते, बल्कि पैसा भी उनसे जुड़ा होता है। जब हम पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और इसे उच्च ऊर्जा में ले जाते हैं, तो जो हम जीवन में कमा रहे हैं उसकी राशि बदल जाती है। बस कल्पना करें कि आपके बिल चेक के रूप में आ रहे हैं। यह सोचें कि आपके बिल किसी धर्मार्थ संस्था से आ रहे हैं और आप उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे दान कर रहे हैं। यदि आप पैसे से प्यार करते हैं तो पैसे देते समय आपको प्यार का एहसास होगा। याद रखें, जब आप देखें कि किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है या उसे सफलता मिल रही है, तो उसे ईर्ष्या करने के बजाय इसका आनंद लें, क्योंकि आनंद लेने से आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। जब इस बुक की लेखिका सीक्रेट बुक फिल्म बना रही थी, उस समय उन पर $1 मिलियन का कर्जा हो गया था, लेकिन वो पैसे की पावर को समझती थी और उन्होंने पैसे के बारे में अच्छा महसूस किया। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और आज उनके पास $100 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है। एक सच्चा जीनियस उनकी शक्ति को अनदेखा नहीं करता है। आप प्रेम के असीमित तरीकों को समझें। यदि आप किसी को उसके जन्मदिन पर प्यार से एक किताब भेंट करते हैं, तो वह व्यक्ति उस बात को याद रखेगा और अगली बार जब आपका जन्मदिन आएगा, तो वह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आपके लिए उपहार लाएगा। उसी तरह ब्रह्मांड हमें असीमित तरीके देता है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। द पावर और रिलेशनशिप्स। हम अपने लाभ के बारे में सोचे बिना अपने साथी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक सही साथी मिल जाता है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि वास्तविक रिश्तों में शरीर दो होते हैं लेकिन आत्मा एक। जो आप दूसरे को देते हैं वही आप खुद को भी देते हैं। अगर हम किसी को खुशी से समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं, तो हम सकारात्मक वाइब्रेशंस में आते हैं और जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है तो वे रिश्तों के रूप में हमारा साथ देते हैं। व्यक्ति या चरित्र में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लालची और नकली है तो हम उसे प्यार से बांध सकते हैं। लालची या नकली व्यक्ति भी एक इंसान है जिनमें आत्मा होती है। अगर उन्हें प्यार दे तो वे हमें रिश्ते में होने पर धोखा नहीं देंगे। हम अपने जीवन की समस्याओं को अपने साथी के साथ साझा करते हैं और हमारा साथी सकारात्मकता के साथ सभी समाधान देता है और हम रिश्तों में उच्च स्तर पर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। जब हम किसी के भविष्य से खुश होते हैं तो हम उस भविष्य के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा या सराहना करते हैं तो हम अपने सभी गुणों को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। गपशप करना सती स्तर पर हानिरहित हो सकता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं तो वो ज्यादातर नकारात्मक बातें ही करते हैं, इसलिए जितना हो सके सकारात्मक लोगों से बात करें। अपने वाइब्स को नकारात्मक मत बनाओ। कुछ लोग आप पर गुस्सा करते हैं इसलिए नहीं कि वे आपसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं देखना चाहते। हम सभी एक अदृश्य तार से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब कुछ बुरा होता है तो सभी लोग एक साथ आते हैं और उस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। द पावर और हेल्थ। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि बीमार ना होना स्वस्थ होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम औसत या ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम हेल्दी नहीं हैं, क्योंकि हम हेल्दी तभी हो सकते हैं जब हम सुख और शांति प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर के अंदर की दुनिया कैसी है? हमारे पास हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दे, फेफड़े जैसे कई अंग हैं। जब ये अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तभी हम जीवित रह सकते हैं। एक कोशिका को 24 घंटे टीम वर्क करने की आवश्यकता होती है।
हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब हम नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तो शरीर की प्रत्येक कोशिका पुनर्जनन प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया से सभी सकारात्मक कोशिकाओं से नकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमें अपना जीवन सकारात्मकता के साथ जीना होगा। सभी सुंदरता प्यार से आती है। हमारे पास असीमित सुंदरता है, लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं करते हैं। हम अपना समय आलोचना और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करने में बर्बाद करते हैं। हम अपनी गलतियों पर दुखी होने के बजाय अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और खुशियां फैला सकते हैं। हम शरीर से उम्रदराज दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आत्मा हमें ऊर्जा देती है, जिसके कारण हम जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस पुस्तक में लेखिका ने प्रेम को सत्य क्यों कहा है। प्रेम एक यूनिवर्सल सकारात्मक शक्ति है जो हर चीज को जन्म देती है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। द पावर और यू। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हम जीवन के सभी रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमें ऊर्जा कंपन और आवृत्तियों को समझना चाहिए। हर चीज की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है और हम किसी भी फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी डायरी में एक कहानी लिखनी है, उसे कल्पना में देखना है और फिर ये ब्रह्मांड आपकी कल्पना का जवाब देगा। हम अपनी खुद की फिल्म देखकर ही अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। हम आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। लेखिका कहती है कि मैं हर रोज सुबह उठकर इस जीवन को धन्यवाद देती हूँ। मैं कल से ज्यादा जीवंत महसूस करती हूँ। मैं हर सुबह 15 से 20 मिनट के लिए प्यार महसूस करती हूँ। जब मैं ऐसा करती हूँ, तो मेरा जीवन जादुई हो जाता है। इसलिए आपको भी ऐसा रोजाना करना चाहिए। द पावर और लाइफ। हम किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा और जीवित भावना की कल्पना नहीं कर सकते। जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उसे बना भी सकते हैं, लेकिन हमें बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम पहले से ही मौजूद हैं। हम सृष्टि का हिस्सा हैं। हम पहले थे, हम अब हैं और हम आगे भी होंगे। स्वर्ग हमारे भीतर है। अगर आप इस धरती पर स्वर्ग महसूस करना चाहते हैं, तो आपको स्वर्ग की उसी आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाना होगा जो शुद्ध प्रेम और आनंद की आवृत्ति है। हम शाश्वत हैं। हमारे पास इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का अनुभव करने के लिए असीमित समय है, क्योंकि हम हमेशा के लिए रहते हैं, बस हमारा शरीर बदलता रहता है। जीवन की सभी खूबसूरत चीजों का आनंद लेना, दूसरों की मदद करना और प्यार करना ही हमारा जीवन है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पावर बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।